जय गुरु जी, बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत का अगला अध्याय शुरू, दसवां अध्याय। राजा रघुगण का जड़ भरत को पकड़कर अपने सुखपाल में लगाना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा, जड़ भरत का दूसरा हाल सुनो। एक दिन राजा रघुगण सिंधु सुवीर नाम अपने नगर से शिविका पर चढ़कर कपिल देव मुनि के पास ज्ञान सीखने जाता था। राह में उसकी सवारी का एक कहार मांदा हो गया। उसी ओर कहीं जड़ भरत भी परमेश्वर के ध्यान में आनंद से बैठे थे। दूसरे कहारों ने जड़ भरत को हिचपुच देखकर पकड़कर शिविका में लगा दिया। जड़ भरत आनंद पूर्वक राजा की पालकी उठाए चले जाते थे और इस अपमान का उनको कुछ सोच नहीं था, पर धरती को देखते हुए चींटी आदि जीवों को दबने से बचाते हुए पांव रखते थे। इसलिए जब कई बार शिविका हिली, तब राजा ने क्रोध से कहारों की ओर देखकर कहा कि तुम लोग पालकी क्यों हिलाते हो। कहार बोले, हमारा कुछ अपराध नहीं, ये नया कहार शिविका हिलाता है। ये बात सुनते ही राजा ने जड़ भरत से कहा, हे कहार, तू हिचपुच दिखाई देता है, अभी इतना रास्ता नहीं चला जो थक गया हो। क्या तुझे अपने प्राणों का डर नहीं है, जो हमारी पालकी अच्छी तरह से नहीं ले चलता। जड़ भरत ये वचन सुनकर चुप हो रहा। राजा को कुछ उत्तर ना देकर मन में कहने लगा कि इस शरीर को कर्म अनुसार दुख व सुख मिलता है, परमात्मा इन दोनों से विलग रहकर सदा एक रीति से रहते हैं। जब जड़ भरत चुप हो रहे, तब राजा क्रोध करके बोला कि हे कहार, तू हमारी बात का उत्तर क्यों नहीं देता। ये वचन सुनकर जड़ भरत ने विचार किया कि वह अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है, इसलिए इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। ऐसा विचार कर जड़ भरत हंसकर बोले, हे राजा, तुमने कहा कि तू बहुत राह नहीं चला और थक गया। जो मनुष्य वृथा फिरता है, वह दुख पाने से अवश्य मांदा होगा। क्यों ऐसा कर्म नहीं करता जिससे जन्म व मरण छूट जाए। आपने कहा कि तू दुर्बल नहीं है, मोटा दिखाई देता है। सो हे राजा, जिसको जीव कहते हैं, वह सदा चैतन्य रहकर ना मोटा होता है ना दुर्बल, सदा एक सा रहता है। कदाचित उसे दुबला कहो तो वह ऐसा सूक्ष्म रूप है कि किसी को दिखलाई नहीं देता, और मोटा समझो तो उसके विराट रूप में सारा संसार व 14 लोक वर्तमान है। यह शरीर नाश होने वाला है, कभी पुष्ट व कृष्ण कभी रहता है। जिसने इस अनित्य शरीर में प्रीति लगाई, उसे इन बातों का विचार करना चाहिए। और जो तुमने कहा कि तू मरने की इच्छा रखता है, सो मेरे निकट जीना व मरना दोनों बराबर हैं। बिना मृत्यु आए कोई नहीं मरता। हे राजन, परमेश्वर का प्रकाश मेरे, तुम्हारे और सब जीवों के तन में एक सा है, इसलिए मैं स्वामी व सेवक को सम जानता हूँ। तुम इसी शरीर तक राजा हो, मरने के उपरांत तुम और हम दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए तुमको ये समर्थ्य नहीं कि जो विनाशी पुरुष आत्मा को दुख दे सको। इस झूठी काया को चाहे तो दंड दे दो। दुख व सुख, हर्ष व विषाद शरीर को होता है, परमात्मा तन में पृथक रहकर दुख व सुख से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। ये वचन सुनते ही जब राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वह शिविका से उतर पड़ा और जड़ भरत को दंडवत करके बोला कि महाराज, मैंने संसारी जाल में फंसे रहने से तुमको नहीं पहचाना। सत्य बतलाओ, तुम ऋषीश्वर हो या किसी महापुरुष का अवतार होकर अवधूतों की तरह अपना भेष बदलते फिरते हो। आप कृपा करके अपना भेद बताएं और मुझे ज्ञान सिखलाकर भवसागर पार उतार दीजिए। मैं महादेव के त्रिशूल से और यमराज, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि देवता आदि किसी से नहीं डरता, पर ब्राह्मण के शाप से बहुत डरता हूँ, सो मेरा अपराध क्षमा कीजिए। ये बात सुनकर जड़ भरत ने कहा, हे राजा, ये जीव अपनी करनी से कभी देवता होता है, कभी मनुष्य तन में राजा होता है, कभी भिखारी। ये गति इस शरीर की समझकर परमात्मा को, जिसे जीव कहते हैं, उन सबसे पृथक रहना जानना चाहिए। इतना ज्ञान कहने के बाद जड़ भरत ने अपने पूर्व जन्म का सब वृत्तांत राजा रघुगण से वर्णन किया। 11वां अध्याय, जड़ भरत का राजा रघुगण को ज्ञान का उपदेश देना। जड़ भरत ने कहा, हे राजा, मनुष्य की अज्ञानता देखो, वह अपने कानों से जिन स्त्री पुत्रादि का दुर्वचन सुनकर दुख पाता है, तिस पर उसका चित्त उनकी ओर से नहीं फिरता। झूठ सत्य बोलकर किसी प्रकार से 10 रुपया कमाकर उन्हीं लोगों का पालन करता है। 6 चोर व ठग 8 पहर मनुष्य के साथ रहकर वह इस तरह उसके शुभ कर्मों को चुरा लेते हैं, जिस तरह राह में चोर व ठग धन पात्र के साथ लगकर अवसर पाकर उसे लूट लेते हैं। चूहा घर में रहने से खाने पीने पर भी वस्त्र आदि काट डालते हैं। जिसके घर में चूहा ना हो, उसकी वस्तु नष्ट नहीं होती। उन 6ों में एक चोर मन को समझो, जिसके चलायमान होने से मनुष्य कुकर्म करके नष्ट होता है।
दूसरे पांच चोर व ठग काम क्रोध लोभ मोह व इंद्रियां हैं, जिनके अधीन रहकर अशुभ कर्म करने से मनुष्य का धर्म क्षीण हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन छहों चोरों व ठगों को अपने अधीन रखे, उनके वश में ना हो। जब जड़ भरत ने ये बात रघुगुण से कही तब राजा ने फिर उन्हें दंडवत किया। 12वां अध्याय, राजा रघुगण का मनुष्य तन की स्तुति करना। राजा रघुगण ने जड़ भरत से इतना ज्ञान सुनकर विनय किया, महाराज मनुष्य योनि से दूसरा चोला उत्तम नहीं होता जिससे तुम्हारे ऐसे महात्मा व ज्ञानी का मुझे दर्शन मिला। मनुष्य का जन्म देवताओं से भी अच्छा समझना चाहिए, कदाचित देवता परमेश्वर का तप करें तो मुक्ति के सिवा दूसरा मनोरथ उनको नहीं मिलता। भरतखंड का मनुष्य जिस अर्थ के वास्ते हरि भजन करे वही फल उसको प्राप्त होता है। इसलिए मैं मनुष्य तन को देवताओं से उत्तम जानकर दंडवत करता हूँ। जड़ भरत ये वचन सुनकर बोले, हे राजा जो बातें मैंने तुझसे कहा उसका अर्थ तूने समझा या नहीं? राजा बोला कि महाराज मैं संसारी जीव अति मूर्ख अज्ञान हूँ, इसलिए ये ज्ञान अच्छी तरह नहीं समझा। आप दया करके विस्तार पूर्वक कहिए तब मैं समझ सकता हूँ। ये वचन सुनते ही जड़ भरत हंसकर बोले, हे राजन ये बात कठिन है। ऐसा ज्ञान यज्ञ पूजा तप करने विरक्त होने वन में रहने पंच अग्नि तापने जल में बैठने दान देने से नहीं प्राप्त होता। ये सब कर्म करने से मनुष्य को इस बात का अहंकार होता है कि मैंने ऐसे शुभ कर्म किए हैं, मेरी बराबर दूसरा कौन होगा। शुभ कर्म करने पर भी अहंकार रखने से वह नष्ट हो जाता है। जब तक अभिमान छोड़कर संत व महात्मा के चरणों की धूल अपने मस्तक पर नहीं लगाता तब तक ये ज्ञान उसको नहीं मिलता। परमेश्वर की कृपा के बिना संत व महात्मा का दर्शन दुर्लभ है। हे रघुगण तुम समझते हो कि हम राजा हैं, सो मैं पिछले जन्म में भरत नामक सातों द्वीपों का राजा था, पर वहाँ रहने से अपना भला ना समझकर राजगद्दी छोड़ दी और वन में नारायण जी की शरण में जाकर हरि भजन करने लगा। तुमको अभी तक अपनी राजगद्दी का अभिमान बना है, इसलिए दूसरे जीवों पर दया नहीं रखते। जिस तरह परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे तन में है उसी तरह इन कहारों में भी समझना चाहिए। ज्ञान की दृष्टि से ये लोग और परमेश्वर के सब जीव तुम्हारे समान हैं, सो तुम अपने शरीर के सुख के वास्ते इन्हें दुख देते हो, यह बहुत अनुचित है। ये ज्ञान सुनते ही राजा रघुगण मारे डर के कांपने लगा और जड़ भरत से हाथ जोड़ के बोला, महाराज मैं ब्राह्मण के श्राप से डरता हूँ, ऐसा ना हो कि आप क्रोध करके मुझे कुछ श्राप दें। 13वां अध्याय, जड़ भरत का राजा रघुगण से एक धनी बनिए का इतिहास कहना। रघुगण की बात सुनकर जड़ भरत ने कहा, हे राजा मैं तुझे शाप नहीं दूंगा, डरो मत। ज्ञानी व महात्मा लोग संसारी सुख स्वपन व झूठा समझकर इस शरीर से प्रीति नहीं रखते। परमात्मा काया से इस तरह अलग है जिस तरह वृक्ष पर पक्षी बैठा हो, और इस पेड़ के काटने से उसे कुछ दुख नहीं होता। कदाचित पक्षी उस वृक्ष को अपना जान कर रोए तो उसका शोक करना वृथा है। जो मनुष्य शरीर को अपना समझकर संसारी सुख में मन लगाता है उसे दुख के सिवा सुख नहीं होता। जब वह विरक्त होकर परमेश्वर में ध्यान लगाता है तब उसको सुख मिलता है। परमेश्वर की भक्ति करने से हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है और काम क्रोध का अंधकार उसके अंतकरण से छूट जाता है। ये ज्ञान सुनते ही राजा रघुगण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैंने आपको पहचाना, आप ब्राह्मण हैं, जिस तरह रोगी का दुख अमृत पीने से छूट जाता है उसी तरह आप संसारी मनुष्यों को जो माया मोह में फंसकर नष्ट हो रहे हैं अपना दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं, सो मुझे भी अपना दास जानकर आपने दर्शन दिया। ये बात सुनकर जड़ भरत बोले, हे राजन मैं एक इतिहास कहता हूँ, तू उसके सुनने से भवसागर पार उतर जाएगा। एक धन पात्र बनिया व्यापार की बहुत सारी वस्तुएं अपने साथ लेकर किसी दिशावर को चला। उसने कृपणता से माल की रक्षा करने के लिए अपने साथ कोई चाकर नहीं रखा, इसलिए 6 चोर उसके संग हो लिए। उन चोरों के और भी सहायक उनके पीछे पीछे चले। थोड़ी दूर नगर से बाहर जाकर वह बनिया राह भूल कर ऐसे वन में पहुंचा जहां कोसों तक बस्ती नहीं थी। जब वन में भाग भालू कटीले वृक्ष और नदी नाले अधिक होने से उसका राह चलना कठिन हो गया तब वह मारे डर के उस वन से पार होने के लिए संध्या तक बराबर चला गया, पर बस्ती कहीं ना मिली। उसी वन में रात हो गई। जब बदिया रात को एक नाले में अपने माल समेत पहुंचा तब वही 6 चोर और उनके सहायक उसका सब माल लूटने लगे। उस समय उस बनिए ने रोकर मन में कहा कि कुछ भी माल यदि बच जाता तो उसे बेचकर व्यापार करता। वे बनिया ऐसा विचार कर जिस वस्तु का बचाव करता उसे सब चोर लूटते थे। जब उसका सब माल चोर लूट ले गए तब वह बनिया घबरा कर उस वन में अपने टिकने का स्थान ढूंढने लगा,
पर कोई जगह उसके रहने के लिए नहीं मिली। वह व्याघ्र व हाथी की आदि की बोली सुनकर डर से कांपता हुआ राह में चला जाता था। कहीं सांप व बिच्छू देखता तो ठोकर खा के गिर पड़ता, कहीं पैर में कांटे चुभते। वृक्ष के नीचे जब सुस्ताने लगता तो वृक्ष पर उल्लू का शब्द सुनकर वहां से भागता। कभी वन में आग लगी देखकर उसके डर से दूसरी ओर दौड़ता। उसी विपत्ति में भागते हुए एक सूखे कुएं में गिर गया। उस कुएं पर एक बरगद का वृक्ष था, उसकी एक डाली कुएं में लटकती थी। जब वह बनिया आधे कुएं में पहुंचा तब वह डाली उसके हाथ लगी, उसे पकड़कर लटक गया। उस कुएं में एक सांप नीचे बैठा था, सो अंधेरी रात में बिजली चमकने से उसने देखा कि कुएं में एक सांप फन काढ़े बैठा है। जिस डाली को पकड़े था उस डाली को ऊपर से दो चूहे श्याम व श्वेत वर्ण काटते हैं। तब बनिए ने विचारा कि कुएं में कूद पड़ू तो सांप के काटने से मर जाऊं, नहीं कूदता तो डाली कट जाने से गिरकर सांप के मुंह में पड़ूंगा। इसी सोच विचार में बनिया पड़ा रहा। उसी बरगद के वृक्ष में शहद का एक छत्ता लगा था। डाली हिलने से एक एक बूंद टपक कर उस बनिए के मुंह में गिरता था। ऐसी विपत्ति में वह बनिया शहद चाटकर बहुत प्रसन्न होता था। इसी तरह बनिया की आयु उस कुएं में लटके हुए बीत गई। उसे निकालने वाला कोई वहां ना पहुंचा। जब एक दिन उन दोनों चूहों ने ऊपर से डाली काट डाली तब वह कुएं में गिर पड़ा और सांप के काटने से मर गया। इतनी कथा सुनकर राजा ने जड़ भरत से कहा, महाराज मुझे बड़ा आश्चर्य मालूम होता है कि वह बनिया एक बूंद शहद खाकर प्रसन्न रहा और डाली पकड़कर ऊपर क्यों नहीं चढ़ाया। ये वचन सुनकर जड़ भरत बोले, हे राजन ऐसी ही तुम्हारी और सब संसारी मनुष्यों की दशा है। सब मनुष्य अनेक तरह के उद्यम करके कुटुंब का पालन करते हैं, पर घर वालों की किसको किसी तरह का संतोष ना होकर प्रतिदिन अधिक लोभ बढ़ता जाता है। अपने उद्यम से उनको किसी साहित्य छुट्टी नहीं मिलती कि दो घड़ी अपने उत्पन्न व पालन करने वाले परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करें। जब कोई उनसे हरिभजन की चर्चा करता है तब कहते हैं कि हमको अपने उद्यम व गृह कार्य से छुट्टी नहीं, किस समय परमेश्वर का भजन व ध्यान करें। सो हे राजन इस जीव को बनिया समझो और काम क्रोध लोभ मोह मद व मत्सरता वही छह चोर आठों पहर मनुष्य के साथ रहते हैं। परिवार वालों को इन छियों का सहायक समझो। जीव को इसलिए बनिया कहना चाहिए कि उसने धर्म व ज्ञान बढ़ाने के लिए भरत खंड में मनुष्य का तन पाया। पूर्व जन्म में साधु व महात्मा का सत्संग व हरि भजन करके संसारी माया जाल में फंस गया था। इसी कारण जो कुछ उसके पूर्व जन्म का धर्म था उसे भी परिवार वालों ने चुरा लिया। बनिए ने अपने माल की रक्षा करने के लिए नौकर नहीं रखा, इसलिए चोरों ने उनको लूट लिया। कदाचित वह भरत खंड में जन्म लेकर साधु व महात्मा का सत्संग करके ज्ञान सीखता तो माया जाल में फंसकर क्यों नष्ट होता। जैसे बनिया अपने टिकने के लिए स्थान ढूंढते समय व्याघ्र आदि के डर से भागता था, वैसे ही संसारी सुख चाहने वाले दुख भोगते हैं। मनुष्य कभी कभी अपने कुटुंब की बीमारी व मृत्यु देखकर, कभी अपने शरीर के रोग से और कभी धन मिलने के लिए आठों पहर चिंता में फंसा रहता है। जिस तरह उल्लू व्याघ्र आदि बनिए को डराते थे, उसी तरह जब परिवार वाले झगड़ा करके घुड़कते हैं तब मनुष्य बड़ा दुख पाता है। स्त्री की संगति को अंधकार समझना चाहिए, उस जगह ज्ञान और वेद पुराण का वचन सब भूल जाता है। जब मनुष्य बूढ़ा होकर कुछ कमाई नहीं कर सकता तब परिवार वाले उसे दुर्वचन कहकर भोजन व वस्त्र का दुख देते हैं, उसका कुछ आदर नहीं करते। जिस तरह मनुष्य महादुख में भी मरने का कुछ डर ना रखकर दिन रात कमाने की चिंता किया करता है, उसी तरह बनिया कुएं में सांप व चूहे को देखने पर भी मरने का भय नहीं रखता। सो मनुष्य के वास्ते संसार व परिवार में रहना यही अंधेरा कुआं समझो। जैसे कर्म पिछले जन्म में किए हैं उसे बरगद की जड़ समझना चाहिए, जिसे पकड़कर जीता है। दो चूहे काले व सफ़ेद जो जड़ काटते हैं वो दिन और रात हैं, जिनके बीतने से आयु घट जाती है। बनिए ने जो सांप कुएं में देखा उसे काल समझो। जिस तरह एक बूंद शहद चाटकर बनिया प्रसन्न होता था, उसी तरह अज्ञानी मनुष्य बुढ़ापे व सब तरह के दुख होने पर भी अपने कुटुंब में बैठकर मगन होते हैं, उसी को शहद की बूंद समझो। हे राजन जगत को दुख देने वाला वन जानो। संसारी माया जाल में फंसने वाला मनुष्य उसी बनिए के समान दुख पाकर नष्ट होगा। जिस तरह तू जगत की माया में लपटा है उसी तरह वह बनिया स्त्री व पुत्र के मुँह में फंसकर नष्ट हुआ था। जो कोई वेद व शास्त्र के अनुसार चले वह अपना मनोरथ पा सकता है, नहीं तो सब छोटे बड़े इसी माया रूपी वन में भूलकर नष्ट हो रहे हैं। सत्संग के बिना मोह रूपी वन से बाहर निकलना बहुत ही कठिन है। 14वां अध्याय।
ये ज्ञान सुनकर रहुगण का प्रसन्न होना और तप करने के लिए वन में जाना। जड़ भरत ने जब इस तरह का ज्ञान रहुगण को बताया तब राजा प्रसन्न होकर जड़ भरत के चरणों पर सिर रखकर विनय पूर्वक बोला कि आपने अति दया करके मुझे जो मैं माया में भूल रहा था ये ज्ञान रूपी रास्ता दिखाया है। ये वचन सुनकर जड़ भरत बोले कि तुम इस ज्ञान के प्रकाश से संसारी जाल में नहीं फंसोगे। राजा उसी समय विरक्त हो गया, उसी जगह अपनी पालकी छोड़कर वन में जाकर हरिभजन करके मुक्त हुआ। जड़ भरत अपना शरीर योगाभ्यास के साथ त्याग कर परम धाम को चले गए। जड़ भरत के सुमत नाम बेटे ने जैन धर्म का मत संसार में फैलाया। उनके वंश में प्रतिहार आदि उत्पन्न होकर शुभ कर्म करके परम पद को पहुँचे। 15वां अध्याय, सुखदेव जी का राजा परीक्षित से पृथ्वी आदि का विस्तार कहना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा कि हे स्वामी, आप दयालु होकर पृथ्वी व सूर्य आदि लोगों का हाल विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजा, पहले सातों द्वीपों का हाल संक्षेप से कहा है, अब फिर विस्तार पूर्वक कहते हैं। सुनो, पृथ्वी में 7 द्वीप हैं। सब द्वीपों की धरती पृथक पृथक बटी है। जम्बू द्वीप में 1,00,000 योजन भूमि और 7 द्वीपों की संपूर्ण पृथ्वी 50 करोड़ योजन है। 4/4 धरती लोका लोक पर्वत के नीचे दबी है और 3 भाग में 7 द्वीप व समुद्र हैं। राजा प्रियव्रत इन 7 द्वीपों के मालिक थे। एक एक द्वीप अपने 7 बेटों को बांटकर आप वन में जाकर परमेश्वर के तप पर ध्यान में लीन हुए। प्रियव्रत के अग्निध्र नामक बेटे ने जम्बू द्वीप के 9 खंड करके एक एक खंड अपने पुत्रों को बांट दिया। उनके बेटों के जो नाम थे वही नाम उन 9 खंडों के हुए। पहला उत्कल खंड, दूसरा हिरण्य खंड, तीसरा भद्राशव खंड, चौथा केतुमाल खंड, 5वां इलावरत खंड। उस खंड के मध्य में सुमेरु नामक सोने का एक पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा, 16,000 योजन लंबा, 8,000 योजन चौड़ा और 32,000 योजन के घेरे में है। छठा नाभि खंड, 7वां किम पुरुष खंड, 8वां भरत खंड और 9वां नरहरि खंड है। ब्रह्मांड कमल फूल के समान गोल है। एक एक पर्वत 9 खंडों के सिवाने पर वर्तमान में है। सुमेरु पर्वत के चारों ओर 4 पहाड़ों पर दूध शहद पानी व रस के कुंड भरे हैं और 4 बहुत अच्छे बाग फल व पुष्प लगे हुए कुबेर महादेव इंद्र व वरुण देवताओं के वहाँ पर ऐसे बने हैं कि जहाँ जाने व स्नान करने से देव पत्नी जवान हो जाती है। सुमेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मपुरी 10,000 योजन लंबी व चौड़ी जड़ाऊ बनी है। वहाँ भांति भांति के पक्षी मीठी बोली बोलते हैं। हे राजन, वहाँ की शोभा हम तुमसे कहाँ वर्णन करें, देखने से ही मालूम होती है। 16वां अध्याय, सुखदेव जी का राजा परीक्षित से लोकालोक पर्वत की कथा कहना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस तरह जम्बू द्वीप में 9 खंड है और हर एक खंड के रहने वाले सब अवतारों की पृथक पृथक पूजा करते हैं। इन 7 द्वीपों के बाहर लोक अलोक पर्वत है, उसके उधर अंधेरा रहता है, सूर्य व चंद्रमा का प्रकाश नहीं रहता। वहाँ योगी लोग जा सकते हैं, संसारी लोग वहाँ जाने की सामर्थ्य नहीं रखते। बड़े बलवान 8 हाथी जिनको दिक्पाल कहते हैं पृथ्वी के 8 ओर धरती को अपने नीचे ऐसा दबाए हैं कि हिलने नहीं देते। सुमेरु पर्वत पर कुबेरपुरी, वरुणपुरी, इंद्रपुरी और यमपुरी है। सूर्य का रथ 2 दोपहर के बाद इन 4 पुरियों में प्रातःकाल, दोपहर, संध्या व आधी रात के समय एक एक जगह पहुँचता है। ब्रह्मा की पुरी से गंगा जी निकलकर सुमेरु पर्वत के नीचे गंगोत्री में आई है। 17वां अध्याय, सुखदेव स्वामी का गंगा जी की महिमा वर्णन करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, गंगा जी की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। जब नारायण जी ने वामन अवतार लेकर 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान दी और विराट रूप धारण करके 1 पग से 7 लोक नीचे के और दूसरे पग से 7 लोक ऊपर के नाप लिए, तब ब्रह्मा पार ब्रह्मा परमेश्वर का दाहिना चरण अपनी पुरी में पहुँचते ही त्रिविक्रम अवतार जानकर उठ खड़े हुए। ब्रह्मा ने अपने कमंडल से विरजा नदी का पानी, जो ब्रह्म रूप परमेश्वर के आंसू गिरने से वैकुंठ में प्रकट हुई थी, लेकर उन चरणों को धोया और चरणामृत लेकर वह जल अपने शरीर और आँखों में लगाया। चरण धोते समय जो पानी सुमेरु पर्वत पर गिरा था वह नीचे आकर मंदराचल पहाड़ के सिवाने पर थम रहा, फिर वहां से 4 धारा होकर बहा तो एक धारा सुमेरु के पश्चिम, दूसरी सुमेरु के दक्षिण, तीसरी सुमेरु के उत्तर दिशा में बहकर समुद्र में मिल गई। चौथी धारा जो पूर्व को बड़ी थी बही थी वह भगीरथ के तपोबल से इलावरत खंड को बाईं ओर छोड़ती हुई नारायण पर्वत से उतरकर गंगोत्री से होकर भरत खंड में आई।
इसी धारा का नाम संसार में गंगा जी प्रकट हुआ। गंगा जी का ऐसा महात्म्य है कि जो कोई गंगा स्नान जल पान व दर्शन करने के वास्ते अपने घर से जाने की इच्छा करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप छूट जाते हैं। वह मनुष्य इस इच्छा से जितने पग चलकर गंगा जी तक पहुँचता है एक एक पग धरने के बदले उसको 100-100 राजसूय व अश्वमेध यज्ञ के फल मिलते हैं। ये वचन सुनते ही परीक्षित ने संदेह मानकर शुकदेव जी से पूछा कि महाराज जब मनुष्य को गंगा स्नान के लिए जाने से ही यज्ञों के फल मिलते हैं तो हमारे दादा युधिष्ठिर ने किस वास्ते इतना रुपया खर्च करके यज्ञ किया था और दूसरे राजा क्यों यज्ञ करते हैं। ये वचन सुनकर शुकदेव जी बोले हे राजन हम एक इतिहास तुमसे कहते हैं सुनो। एक समय महादेव जी पार्वती को साथ लेकर मकर महीने में गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज को जाते थे। रामे पार्वती जी ने बहुत लोगों को जाते देखकर महादेव जी से गंगा स्नान का महात्म्य पूछा। शिव जी ने कहा हे पार्वती जो कोई अपने घर से गंगा नहाने चले उसको एक एक पग चलने में 100-100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और करोड़ों जन्म के पाप छूट जाने से वह देवता के समान हो जाता है। ये वचन सुनने व यात्रियों को देखने से पार्वती ने यह संदेह किया कि लाखों नीच जाति के मनुष्य गंगा जी में नहा कर चले जाते हैं पर उन लोगों की गंगा स्नान करने से अभी तक कुरूपता भी नहीं गई, देवता का तन किस तरह पाएंगे। महादेव जी जैसा कहते हैं इतने यात्रियों को वैसा फल कैसे मिलेगा। ऐसी शंका करके पार्वती जी फिर विनय पूर्वक बोली कि महाराज आपने गंगा जी का महात्म्य इस तरह वर्णन किया कि इन यात्रा करने वालों का रूप देखने से मुझे इस बात की प्रतीति नहीं होती। महादेव जी बोले किसका भेद हम तुमसे क्या कहें, चलो आंख से दिखला देते हैं। ये कहकर जब शिव जी गंगा जी के निकट पहुंचे तब वहां कोड़ी रूप बनकर बैठ गए और पार्वती से बोले कि तुम दिव्य रूप अति सुंदरी होकर मेरे शरीर से मक्खी उड़ाओ। स्नान करने वाला जो कोई तुझसे पूछे तो उससे ये कहना कि हमारा पति कोड़ी हो गया है। सो एक पंडित ने कर्म विपाक की पोथी देख कर बतलाया है कि जिस किसी ने 100 अश्वमेघ यज्ञ की हो वह इनको अपने हाथ से छू दे तो इनका कोढ़ छूट जाए। यहाँ लाखों मनुष्य नहाने आए हैं इसलिए इनको यहाँ लाकर बैठी हूँ कि जिसने 100 यज्ञ किए हों वह इनको छू दे तो इनका ये तन अच्छा हो जाए। जब पार्वती जी देवकन्या के समान बनकर मक्खी उड़ाने और ये बात कहने लगी तो बहुत से यात्री उनका रूप देखते ही मोहित होकर उनके चारों ओर खड़े हो गए। उनमें कोई पार्वती को अपने साथ चलने के लिए कहता, कोई उनसे हंसी ठट्ठा करता और कितनों ने अनेक तरह का डर व लोभ दिखलाया। ज्ञानी लोगों ने कहा कि इस स्त्री को धन्य है जो इस दशा में भी अपने पति की सेवा नहीं छोड़ती। जो स्त्री अपने स्वामी को काना कुबड़ा कोड़ी लंगड़ा अंधा दरिद्री कुरूप कैसा ही हो परमेश्वर के समान जानकर आनंद पूर्वक उसकी सेवा करे और पर पुरुष को कुभाव से ना देखे उसे पतिव्रता कहना चाहिए। उसी समय एक कंगाल दुर्बल ब्राह्मण उनको देखते ही निकट आकर दंडवत करके पार्वती जी से बोला कि ये माता तुम किस इच्छा से यहाँ भीड़ में बैठी हो, कहीं एकांत में अपने पति को ले जाकर उसकी सेवा करो जिसमें मक्खी आदि बैठने से ये दुख ना पाए। ये वचन सुनकर पार्वती बोली मेरे पति के कर्म विपाक में ऐसा निकला है कि जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हों वे इनको छू दे तो इनका शरीर अच्छा हो जाए। इसी इच्छा से मैं इन्हें यहाँ लाकर बैठी हूँ कि इस पर्व में लाखों मनुष्य आएंगे, किसी ने तो 100 अश्वमेघ यज्ञ किए होंगे जिसके छूने से हमारे स्वामी का रोग छूट जाएगा। ये बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला ये कौन बड़ी बात है, तुम तो 100 अश्वमेघ यज्ञ नहीं कर सकती, तुम तो 100 अश्वमेघ यज्ञ करने को कहती हो, मैंने लाखों अश्वमेघ यज्ञ किए हैं जिनकी गिनती तुम नहीं कर सकती। ये वचन सुनते ही पार्वती जी विनय पूर्वक बोली कि महाराज आप दया करके इनको छू दीजिए। जैसे ही उस ब्राह्मण ने शिव जी के अंग में अपना हाथ लगाया वैसे ही महादेव जी दिव्य रूप अश्वनी कुमार के समान हो गए। ये हाल देखकर पार्वती और सब यात्रियों को इस बात का संदेह हुआ कि इस ब्राह्मण की उम्र 30 वर्ष की होगी और ये कंगाल है। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने में 100 वर्ष और बहुत सा द्रव्य सेना दूसरे राजाओं को जीतने के लिए चाहिए, इसने किस तरह 100 यज्ञ किए होंगे। शिव जी अंतर्यामी ने उनका संदेह छुड़ाने के लिए यात्रियों के सामने उस ब्राह्मण से पूछा कि महाराज तुमने इतनी अवस्था में लाखों यज्ञ किस तरह किए होंगे। वे ब्राह्मण बोला सुनिए महाराज यज्ञ की विधि और उसका फल शास्त्र अनुसार होता है। उसी शास्त्र में गंगा स्नान का महात्म्य ऐसा लिखते हैं कि जो कोई गंगा स्नान करने को अपने घर से चले उसको एक एक पग चलने में 100-100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। सो मैं अपने घर से नित्य गंगा स्नान करने को कोस भर हजारों पग चलकर आता हूँ, उस हिसाब से लाखों कौन
चीज हैं, कई करोड़ अश्वमेघ यज्ञ कर चुके होंगे। इसमें आश्चर्य किस बात का? ये बात सुनकर महादेव जी ने पार्वती और यात्रियों से कहा, ब्राह्मण सच कहता है। शिव जी ऐसा कहकर अपने स्थान को चले। राम ने पार्वती से बोले कि देखो, हमारे कहने के अनुसार इस ब्राह्मण को गंगा स्नान के फल मिलते हैं। सब यात्री वेद के वचन पर विश्वास नहीं रखते, इसलिए ये फल उनको नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए वेद व शास्त्र को सुनकर उस पर विश्वास जरूर करना चाहिए। हे परीक्षित, तुम्हारे दादा राजा युधिष्ठिर को वेद व शास्त्र पर विश्वास था, पर उनके पास बहुत द्रव्य होने से उनको ये इच्छा हुई किसी बहाने से श्याम सुंदर को अपने यहाँ रखकर ऋषीश्वरों व मुनीश्वरों का सत्संग करूँ, मेरा धन शुभ कर्म में लगे और मुझे यश मिले, इस कारण उन्होंने यज्ञ किए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह अध्याय समाप्त हुआ। बोल माँ के बिहारी लाल की जय।